नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। पंचकुला में मनसा देवी इलाके में मिले गायों के कंकाल, लापता गाय खोजते जंगल में गया युवक तो हुआ खुलासा, गांव के कंकाल के और अधकटे शव मिलने से लोगों में रोष। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सिरसा दौरा, राधास्वामी व्यास के सत्संग कार्यक्रम में हुए शामिल, सीएम ने राधास्वामी व्यास के मुखी से की मुलाकात। करनाल में 2 नवंबर को अंत्योदय महासम्मेलन, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शिरकत, कार्यक्रम के जरिए 2024 के लिए चुनावी बिगुल बजाएगी भाजपा। और अब समाचार विस्तार से। पंचकुला से बड़ी खबर है, जहां मनसा देवी कॉम्प्लेक्स सेक्टर 3 के जंगलों में गायों के कंकाल और अधकटे शव मिलने से लोगों में रोष फैल गया। पुलिस ने स्थानीय पार्षद नरेंद्र लोबाना की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक स्केतरी निवासी कृष्ण ने बताया कि उनकी गाय मिल नहीं रही थी और उसे ढूंढते हुए जंगल में गए तो देखा कि वहां 4 से 5 व्यक्ति गायों की खाल उतार रहे थे। जब उसने इस बात की विरोध किया तो आरोपी हथियार लेकर उसकी तरफ दौड़े, उसने भागकर अपनी जान बचाई। उसने स्थानीय पार्षद को फोन कर जानकारी दी और शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लिया। यह देख आरोपी गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। भीड़ ने गाड़ी में तोड़फोड़ की। पार्षद नरेंद्र लोबाना, बजरंग दल के नेता गर्वेश राणा, सकेतरी पुलिस चौक के इंचार्ज, मनसा देवी थाने के प्रभारी सहित भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। जब पुलिस और कार्यकर्ताओं द्वारा छानबीन की गई तो वहां सैकड़ों कटी हुई गायों और उनके निकाली हुई खाल रखी हुई थी। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया। पुलिस जांच में पता चला कि यहां तकरीबन 700 से 800 गायों के कंकाल भी हैं। वहीं राष्ट्रीय बजरंग दल के लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन तत्काल प्रभाव से इन गोत्यारों पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाए, जिन्होंने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। अन्यथा राष्ट्रीय बजरंग दल 2 दिन पश्चात क्षेत्रीय थाने का बड़े स्तर पर घेराव कर रोष प्रकट प्रदर्शन करेगा। मैं अपनी गाय देखने आया था, तो मैं जिस टाइम यहाँ आया तो यहाँ एक व्यक्ति खड़ा था, उसके पीछे 3-4 लोग और थे। तो उसने बोला, हाँ भाई किस तरह आए हो यहाँ पे, धमकाने के लेवल से बोला, और उसके हाथ में 2 तेजधार हथियार थे। मैंने कहा, जी हमारी गाय गुम हो गई है तो उसको देखने आया हूँ। कह रहा कैसे रंग की थी, मैंने कहा काले रंग की थी। कह रहे वो इस तरफ को गई है, तो मैं उस तरफ नहीं गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। मैं अपना वापिस चला गया और मैंने बाहर जाकर के भाई साहब को फोन किया, गर्वेश राणा जी को फोन किया जो बजरंग दल से है, और नरेंद्र भाई साहब को पहले फोन किया था, उसके बाद सोनू कौशिक जी को किया, और सभी भाई फिर इकट्ठे हुए। कितनी देर में पहुंच गए? ये गिनती के 10-15 मिनट के बीच में सभी भाई यहाँ पहुंच चुके थे। यहाँ पे कुछ गांव काटने का या अपने गांव के सब मिले हैं, तो जिस बारे में सूचना पाके तुरंत मौके पे पुलिस टीम पहुंची है और वहाँ पे हाजिर लोगों ने एक दरखास्त पेश कर दी है। मौके की फुटेज वगैरह फंगा ली जा रही है और वहाँ की वीडियोग्राफी भी कर ली है, जिस संबंध में मुकदमा नंबर भी थाने में अभी दर्ज होके पता चल जाएगा, और प्रीमा फेसी इंक्वायरी अभी जारी है और बंदों को राउंड अप करने के लिए टीम्स भेजी। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है? अभी पता चला है, तो अभी बेसिक प्रीमा फेसी इंक्वायरी जारी है और हमारी टीमें रवाना हो चुकी है। जो भी हमें बेसिक क्लूज मिले हैं उनको देखते हुए वी आर फॉलोइंग। कितने किसान है मवेशियों के? अभी ये अंदाजा लगाना तो कठिन है, पर हाँ है 20-25 के करीब। मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनावी वर्ष में काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, जहां वे विभिन्न वर्गों के बीच अपनी और अपनी पार्टी की छवि को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं ऐसे क्षेत्रों में भी उन्होंने पार्टी को सींचने के लिए खाद पानी दिया है, जहां कभी भाजपा के कार्यकर्ता मिलने तक नहीं गए थे। हाल ही में आशा वर्कर्स की मांगों को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें काफी लाभ पहुँचाया। वहीं नगर निकायों के प्रतिनिधियों का वेतन बढ़ाकर भी वाहवाह की ली। इसके अलावा वो संजीदा तेहड़ मसले को सुलझाने के लिए लोगों से चर्चा करने आज सीएम मनोहर लाल सिरसा दौरे पर हैं। सीएम ने आज अपने सिरसा दौरे के दौरान कई जगहों का जायजा लिया। बता दें कि सीएम ने आज डेरा ब्यास मुखी बाबा गुरिंदर ढिल्लों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार सबके लिए हितकारी हो ऐसी नीतियां बनाकर जमीनी स्तर तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है, जिससे आज प्रदेश का हर वर्ग खुशहाल है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार अंत्योदय दर्शन के अनुरूप प्रदेश के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। इसी कड़ी में 2 नवम्बर को
करनाल में अंत्योदय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें आयुष्मान भारत योजना, पेंशन स्कीम और अन्य सुविधाओं के लाभार्थियों को बुलाया जाएगा। सीएम ने कहा कि समय प्रदेश में जनसंवाद कार्यक्रम चल रहे हैं। उनके जनसंवाद कार्यक्रमों के अलावा सांसद और विधायकों द्वारा भी जनसंवाद कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी 6000 गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम करने का लक्ष्य है। अब तक लगभग 1000 गांवों में ये कार्यक्रम हो चुके हैं। शेष 5000 गांवों में आगामी महीनों में ये कार्यक्रम किए जाएंगे ताकि लोगों की समस्याओं और शिकायतों का त्वरित निपटान सुनिश्चित किया जा सके। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि सभी को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुँचाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के दौरे पर पहुंचेंगे। अमित शाह 2 नवंबर को हरियाणा के करनाल जिले में पहुंचेंगे। वह करनाल में आयोजित होने वाले अंत्योदय सम्मेलन में शिरकत करेंगे। करनाल में एक बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि हरियाणा सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव है। अभी लोकसभा में हरियाणा में 10 की 10 सीटें बीजेपी के पास है, पर ये 10 की 10 सीटें 2024 में भी रहे इसके लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। प्रदेश सरकार 9 साल पूरे होने पर हरियाणा में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है जिसका नाम है अंत्योदय सम्मेलन। इस कार्यक्रम का हरियाणा सरकार की तमाम योजनाओं का मन से बखान किया जाएगा और इन योजनाओं का लाभ ले रहे अलग अलग जिलों के लोग यहां पहुंचेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पहुंच रहे हैं। बयान के मुताबिक इस कार्यक्रम के जरिए भाजपा 2024 के लिए हरियाणा में अपना चुनावी बिगुल बजा देगी। सूत्रों के अनुसार सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि निगमों के चुनाव लोकसभा से पहले करवा दिए जाएं। अगर सरकार अधिकतर निकायों में चुनाव जीतती है तो लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए एक माहौल बन सकता है। कुछ महीनों से भाजपा का फोकस भी शहरी वोटरों की ओर ज्यादा है। हरियाणा में अगले साल लोकसभा और विधानसभा के साथ 8 नगर निगमों के चुनाव हो सकते हैं। संभवतः जनवरी या फरवरी में सरकार नगर निगमों के चुनाव करवा सकती है। यह इशारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी के स्वागत समारोह के दौरान किया। मुख्यमंत्री ने भाजपा पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को एक टीम के तौर पर कार्य करना है। अगले साल लोकसभा विधानसभा के साथ नगर निगम का भी सामना करना पड़ सकता है और 3 नगर निगमों का कार्यकाल पहले ही खत्म हो चुका है। 5 नगर निगमों का कार्यकाल दिसंबर में खत्म हो रहा है। ऐसे में नगर निगम चुनाव लोकसभा के पहले भी करवाए जा सकते हैं। हिसार प्रशासन ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। आदमपुर नगर पालिका से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया जिसमें जेई परवीन और क्लर्क दीपक ने रिश्वत की मांग की थी, जिसके चलते कार्रवाई कर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। प्रॉपर्टी आईडी में रिश्वत लेने के बारे में हाई स्कूल रोड निवासी सुनील कुमार ने स्थानीय शहरी और निकाय मंत्री को लिखित शिकायत देकर नगर पालिका के जेई परवीन कुमार और लिपिक दीपक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। डॉक्टर कमल गुप्ता को दी शिकायत में सुनील ने बताया कि उसने आदमपुर नगर पालिका में अपनी जमीन की प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए अप्लाई किया था। इस बारे में उसे जेई परवीन और क्लर्क दीपक मिले और रिश्वत की मांग की। उसने पैसे देने से मना किया तो उन्होंने उसकी फाइल को कई बार रिजेक्ट कर दिया, जिसके चलते मजबूरन उसे 2 लाख रुपए की रिश्वत परवीन कुमार और दीपक कुमार को देनी पड़ी। रिश्वत की राशि उन्होंने उनके घर आकर ली और प्रॉपर्टी आईडी बना दी। पीड़ित ने विभाग के मंत्री को लिखित रूप में शिकायत देते हुए कार्रवाई की मांग की थी, जिस पर दोनों कर्मचारियों को सस्पेंड करने का पत्र जारी कर दिया गया। रादौर के सांगीपुर पुलिस नाके पर बने पंचमुखी हनुमान मंदिर के पुजारी की हत्या करने का मामला सामने आया है। पुजारी पिछले 15 सालों से इस मंदिर में रह रहा था। फिलहाल हत्या किसने और क्यों की इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। परिजनों के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए यमुनानगर भेजकर इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मृतक पुजारी 70 साल का है। उसके साथ पहले भी मंदिर के अंदर मारपीट हो चुकी थी। इस बात का पता तब चला जब मंदिर में माथा टेकने के लिए कुछ लोग पहुंचे, लेकिन मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद था। लोगों को शक हुआ, तभी लोगों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदल गया है। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आज सुबह में बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम में बदलाव होने से तापमान में गिरावट होगी, वहीं रात को ज्यादा ठंड महसूस की जा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। प्रदेश में किसानों ने फसलों की कटाई का काम लगभग पूरा कर लिया है और अब बिजाई का समय आ गया है। अक्टूबर के महीने में सरसों की बिजाई हो जाती है, वहीं नवंबर के महीने में गेहूं की बिजाई का सीजन चलता है। ऐसे में अब किसानों को भी बारिश का इंतजार होगा। तो ये थे हरियाणा के समाचार।
और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी।